तुम यूपीएससी क्लियर करोगे। गुड मॉर्निंग। तो आज सैटरडे और ऑब्वियसली हम कॉलेज नहीं गए क्योंकि कोई आता नहीं सैटरडे। वैसे तो मेरी 4 क्लास होती है सैटरडे को, तो टेक्निकली मुझे जाना चाहिए, पर फिर हम नहीं जाते, छोड़। तो फिर आज मैंने सोचा कि क्या करूं, क्योंकि जब छुट्टी वाला दिन होता है ना, मेरे को वो भी पसंद नहीं आता कि कोई काम ही नहीं है करने को। और जब छुट्टी वाला दिन नहीं होता तो कॉलेज से आके ऐसा लगता है हाय थक गए, पता नहीं क्यों ही गए, नहीं जाना चाहिए, थक जाते हैं, ये वो। तो मतलब इधर वे रोना ख़त्म नहीं होता। तो अभी मैं जा रही हूँ 17 सेक्टर, क्योंकि वहाँ पे कोई एग्जीबिशन लगी है शायद हुनर हाट करके, मेरे को नाम नहीं पता एग्जैक्टली, बट तो अब हम वो देखने जाएंगे, कोई हैंड क्राफ्टेड मटेरियल समथिंग समथिंग लगा हुआ है, लेट्स सी। खाना कैसे है? हाँ बस चूस ले इसको। कैसे चूसना है? खा ले आइस। हाँ तो मैं वापस तो आ गई हूँ, और वो एग्जीबिशन जो थी ना वो सच में काफ़ी अच्छी थी, लंबी थी, अच्छी थी। हमने पूरी तो देखी नहीं क्योंकि हम इतना थक गए थे, क्योंकि हमने जो टाइम चूज़ किया था ना, मैं नानी और मासी के साथ गई थी, तो वो 1 बजे था भाई, कड़ी धूप, ओहो सिर पे आ रही है धूप। मतलब ऐसा हो रहा है कि भाई पानी पी जा रहे हैं, जूस भी पी लिया, सब कुछ पी लिया भाई, लेकिन वो बस धूप सारा पानी निकाली जा रही थी, और ऐसा होता थक गए भाई, घर जाना ऐसे हो रहा था। तो बट ओवरऑल अच्छी थी। और आज मैंने काला खट्टा खाया, मज़ा आ गया, बाय गॉड मज़ा आ गया। मैंने पहले ना खाया नहीं था यार, मतलब मेरे को ऐसे कोई मेमोरी नहीं है जब मैंने खाया हो, अगर मैंने खाया भी हो बचपन में, समझ रहे हो। तो वो मैंने आज एक तरह से रिलीव किया एक्सपीरियंस, तो इट वॉज फैंटेस्टिक, अमेजिंग। और वैसे था ठंडा आ रहा है, चूस रहे हैं, खा रहे हैं, बेस्ट, हाईली रिकमेंडेड। भाई आज कम से कम 15 बारी तो मैंने टोका होएगा। एक तो ना मेरे को वो जो बहुत ज़्यादा पुरानी बस नहीं आती, ब्लू वाली तो चलो है ही पुरानी, ग्रे और वाइट कलर की भी एक पुरानी सी होती है भाई, वो टेढ़ी चलती है रोड पे, ऐसे टेढ़ी, मैं देख रही हूँ भाई नहीं बंद करो इसको। बहुत ज़्यादा डेंजरस बस है वो, पीछे से आती, मैंने शीशे में देखा उसको, मैं कहा भाई सीए साइड कर ले, ये तो कभी भी उलट सकती है, इतनी डेंजरस बस। और आज स्कूटर वाले इतने लड़े हैं ना मेरे को भाई, एक तो ना इतनी पास आके कट मारेंगे, फिर अब इतना सा डिस्टेंस रह जाता है तो फिर उनका बैलेंस बिगड़ने लग जाता है। हाँ तो मैं बोल रही थी कि अभी मेरे से साइशा खड़े, क्योंकि मैं बताती हूँ रुकावट में खेद क्यों आया। क्योंकि भाई वहाँ से ना एक कार वाला बंदा स्लो करके गया कि ये बंदी फ़ोन में क्यों बोल रही है, नोटिफिकेशन, तो फिर मैंने रिकॉर्डिंग बंद कर दी। मैं बोल क्या रही थी? मैं बोल रही थी कि वो स्कूटर वाले जो होते हैं ना, साइकिल मोटरसाइकिल वाले, वो पास से आते हैं फिर उनका बैलेंस चल जाता है, फिर वो हिलाने लग जाते हैं, फिर वो मुझे घूरते हैं भाई, साइशा मुझे घूरते हैं। मैंने कहा तुम्हारी गलती है ये, ऐसे वो बंदा, मैं यहाँ कार जा रही, यहाँ पे वो जा रहा, फिर मैं उसको घूर रही हूँ, वो मुझे घूर रहा है कि हमने ऐसे हाथ दे रहे। मैंने कहा एक सेकंड, जब टकराने लगा ना वो तब हाथ दे रहे, मैंने कहा तब नहीं हाथ देना होता। मैंने कहा इट्स ओके, इट्स ओके, नहीं बोल दिया करना, वो तो मैं शीशा नीचे करके थोड़ी बोलती, पहली मैं लेट हो रही थी। ये दोनों बंदियां अपनी शक्ल छुपा रही हैं, ये दोनों पर्पल पहन गए हैं, 8th क्लास वाली हरकत चल रही है इनकी कॉलेज में, गलती से हुआ है पता नहीं था। ये करते क्यों मुंह छुपाने वाले काम को, इनको आप इग्नोर करो, आप सिर्फ मेरी बात सुनो, ठीक है? मैं एकदम ऑथेंटिक लड़की हूँ, सच बोलती हूँ। मैंने अभी रियलाइज किया कि बोलते बोलते मेरे बाल बहुत ज्यादा गंदे लगे थे, मैं तुम्हें दिखाऊँ कैसे क्या कर रही है, ओहो आएगा नहीं। जब मैं बोल रही होती हूँ तो ये लोग ये हरकतें करते हैं, रीच देखो बस, इग्नोर करो इनको। भाई कॉलेज में बहुत ज़्यादा भीड़ है, मतलब लग नहीं रहा है कॉलेज, जब तक मेला ही लग रहा है मेरे को तो, और यहाँ पे कोई प्ले होने वाला है जो कि मैं अभी दिखाती हूँ, वेट। अगर रोड ट्रैक ये देख रहा तो मार को ये चीट कोड दे रही है बंदी, क्या लेके आना है? ईयरफोन्स। बस आ गया ये ब्लॉग में, हमने कुछ नहीं है, हमने चीटिंग थोड़ी की है, अच्छे से करो प्रमोशन, क्या है प्रमोशन कर, 200
200 ओनली। कब रिकॉर्ड करेंगे, कब ये जाएगा? रिकॉर्ड तो चल रहा है, मैं देख रही हूँ कर क्या रही है बंदी। इतना एक रुपए जाएगा डोनेशन में। किसको? किसको? चलो आते हैं। तो अभी इस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी है, तो आज मुझे हमारे बैचमेट ही होंगे वो, है ना, या फिर मे बी सीनियर, तो मेरे को आई थिंक सो उनका नाम पार्थ है, वो मिले और वो सामने से आए, सामने से कि हमने आपका व्लॉग देखा और उन्हें पसंद आया। पता है अभी मैंने इस भाई को इतनी जोर से हॉर्न मारा ना, मजा आ गया। बाई गॉड, इसका शीशा देखना कहाँ है भाई, अपनी शक्ल थोड़ी देखनी है तेरे को। क्या ये, क्या ये, टीच देम समथिंग भाई। मन कर रहा आगे लेके जाऊं पर घूरती रहूं। मैंने क्या पंगों में पड़ना, छोड़ो। ये देखो इतना इरिटेटिंग था ये, मतलब कि मेरे को रेड लाइट रुकी हुई पे फोन निकाल के कैमरा ऑन करके बताना पड़ा। ये क्या कर रहे हो भैया आप? कभी नींबू पानी के नाम पे पानी और काला नमक पिया है? मैं पी रही हूँ। मैं इतनी फ्रस्ट्रेटेड हूँ ना मैं इस टाइम पे। मैं 11 बजे आई, 11 से 12 ही क्लास लगी, 12 से 1 और 1 से 2 लगी नहीं, फिर मैंने 2 से 3 लगाई, अब मेरी है 5 से 6, जो कि मैंने सेमेस्टर में कभी नहीं लगाई आज तक। तो मैं आज लगाऊंगी देखने के लिए कि भाई चल क्या रहा है। भाई पूरा ऐसे ऑफिस टाइम कॉलेज लग रहा है कि जो 5 से 6 वाली होती है ना, ये होती है मंडे से थर्सडे। तो मतलब इसका मतलब ये है कि भाई मैं 8 बजे आऊँगी सुबह, फिर उसके लिए 7 बजे घर से निकलूंगी, और फिर ये 5 बजे चलेगी तो 7 बजे घर पहुँचूंगी। मैं 12 घंटे थोड़ी कॉलेज होता है, फिर मैं सोच रही हूँ बस 1.5 घंटा टाइम पास करने के लिए, तो मैं ब्लॉग एडिट कर देती हूँ। सी यू, बाय। और बहुत ज्यादा गंदी लाइटिंग है यहाँ पे। का नाम क्या हो रहा है? क्या एक और ये इसमें गंदे बाल है? अच्छा यार, गुड बाल।